बोल के मना कर दिया कि यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा हुआ है, तो उन्होंने मना कर दिया। एसडीएम को कलेक्टर के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन देंगे कल। सुनील सिखवाल, नवरात्रा महोत्सव समिति अध्यक्ष, राव दुदागर। आगामी 26 सितंबर को नवरात्र महोत्सव की स्थापना हो रही है। कुछ इसमें एक बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके लिए मैंने आज आप सबसे निवेदन किया है। बाधा यह आ रही है कि हमारे मारवाड़ की कुलदेवी नागनाचा माता है, जब राव दुदागढ़ की स्थापना हुई थी, तब सबसे पहले कुलदेवी की स्थापना की जाती है, जो कि नागनाचा माता है और वो मीरा स्मारक के अंदर है। अभी कुछ समय से प्रशासन ने और पुरातत्व विभाग ने इस मीरा स्मारक को, जो मेहरता की एक धरोहर है, उसको बंद कर रहे हैं। बंद करने के नाम पे उन्होंने एक टिकट कर दिया कि भाई आरटीडीसी का, यह बाहर का जो एरिया होगा वो आरटीडीसी का होगा और अंदर का होगा वो पुरातत्व विभाग का होगा। अब आरटीडीसी ने एक लाइट एंड साउंड सिस्टम का एक सिस्टम लगाया है। इस सिस्टम में जिनका टिकट भी बहुत बड़ा है, 50+9 रुपए जीएसटी के मिला के 59 रुपए का टिकट रखा गया है। मेरा सिर्फ लोगों से निवेदन यह है कि ये मेहरता की धरोहर है, मेरा स्मारक मेहरता की धरोहर है, और हमारे दो बड़े प्रोग्राम जिसमें मेरा महोत्सव और एक नवरात्र महोत्सव, ये दोनों उत्सव लंबे समय से नहीं, आज तक वहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरा से जुड़ा हुआ है दोनों कार्यक्रम और कार्यक्रम हमारे उत्सव वहीं हो रहे हैं। अब सरकार ने इसको बंद कर दिया है, तो मेरा ये निवेदन है कि इसको जो स्मारक है, इसको दो कार्यक्रम के लिए खोला जाए, मेरा महोत्सव और इसको ये नवरात्र महोत्सव के लिए। हमने प्रशासन से कल इसकी मांगी भी थी, हमने परमिशन भी मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने यह बोल के मना कर दिया कि यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा हुआ है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कल पधार कर और हम लोग इसमें एसडीएम को कलेक्टर के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन देंगे कल। कल हम 2 बजे ज्ञापन देंगे एसडीएम ऑफिस के अंदर, इनके नाम, मुख्यमंत्री के नाम और इसके कलेक्टर साहब के नाम।